नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए अब नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 50 ताबड़तोड़ खबरों पर। अडानी को एनडीटीवी के 26% अतिरिक्त शेयर खरीदने की मिली मंजूरी। ऑफर में कंपनी के एक शेयर का मूल्य 294 रुपए तय किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के बाल रोग विभाग में सर्जरी के बाद 4 साल के एक बच्चे को खाने के लिए दी गई दाल में निकला कॉकरोच। मामले की फोटो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एम्स प्रशासन बोला मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिजनौर 23वें स्थान पर, जबकि लाभ देने के मामले में प्रदेश में बिजनौर का 11वां स्थान है। आयुष्मान का लाभ 2011 की जनगणना के अनुसार मिल रहा है। जनगणना के आधार पर ही लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की गई। गुजरात के कच्छ में नर्मदा नहर में बड़ा हादसा, 15 वर्षीय किशोरी समेत एक ही परिवार के 5 लोग डूबे। ट्विटर फेसबुक के बाद अमेजन में सबसे बड़ी छटनी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट में बताया कि अमेजन की योजना ने 10,000 लोगों की छटनी करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तराखंड के सितारगंज में बस हादसा, अचानक पलटी 51 बच्चों से भरी बस। हादसे में एक टीचर और बच्चे की मौत, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई के एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आवाड़ पर एक महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। जितेंद्र आवाड़ का आरोप, पुलिस ने 72 घंटे में मेरे खिलाफ दर्ज किए 2 झूठे केस। आरोप में घिरे एनसीपी नेता ने विधायकी से दिया इस्तीफा। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 4थी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। अल्पेश ठाकुर की बदली गई सीट, गांधीनगर दक्षिण से मिला टिकट। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा, कहा इसे रोकने के लिए उठाने होंगे बड़े कदम। बाली में 2 बाहुबलियों की आमने सामने मुलाकात। G20 बैठक से पहले मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एजेंडे में टॉप पर रहा ताइवान और न्यूक्लियर वॉर। रूस से तेल की खरीदारी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा भारत को कुछ नहीं कहा तो हमें भी ना रोके अमेरिका। देश की राजधानी दिल्ली को दहला देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। लिव इन पार्टनर आफताब ने प्रेमिका श्रद्धा को आरी से काटकर उसके 35 टुकड़े कर जंगल में अलग अलग जगह फेंके। 18 मई 2022 को की गई थी हत्या। खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को कोच के नामों का किया ऐलान। टेनिस खिलाड़ी अचेत शरद कमल को देश का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्रिकेटर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड़ को द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर 2022 को करेंगी सम्मानित। 23 साल की भारतीय मूल की नबीला सैयद ने रचा इतिहास। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी क्रिस बोस को हराकर दर्ज की जीत। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने उठाया ऐतिहासिक कदम। ब्रिटिश सिख सैन्यकर्मियों के लिए पहली बार दैनिक सिख प्रार्थना पुस्तक नित नेम गुटका साहिब को लॉन्च किया गया। सिख सैन्यकर्मियों के लिए लॉन्च की गई नित नेम गुटका साहिब वाटरप्रूफ है, इसे सिख सैनिक ड्यूटी पर साथ ले जा सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़े स्तर पर 61 कर्मियों और अफसरों के ट्रांसफर किए। ट्रांसफर में क्लर्क से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अफसर शामिल। ये सब पहले जीएमसीएच 32, आयुष, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, पुलिस एजुकेशन और ग्रिड सेक्टर 31 आदि जैसे विभागों में तैनात थे। यूजीसी ने पीएचडी करने वाली लड़की महिलाओं को दी बड़ी राहत। अब दूसरी जगह पीएचडी करने की मिलेगी छूट। इसके लिए बार बार उन्हें अपने शहर पीएचडी पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा, अब उनका सारा काम दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तालिबान का नया फरमान, अफगानिस्तान में महिलाओं के जिम और पार्क में जाने पर प्रतिबंध। धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता बोले लोग आदेशों की अनदेखी कर रहे, इस वजह से यह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु और हैदराबाद में हुई जियो 5G सर्विस की शुरुआत। जियो ट्रू 5G सर्विस को किया गया लॉन्च। जियो ग्राहक भी जियो वेलकम ऑफर के तहत 1 GBPS तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डाटा का कर सकेंगे इस्तेमाल। अमेरिका की वर्जीनिया विश्वविद्यालय परिसर में हुई गोलीबारी। गोलीबारी में फुटबॉल टीम के 3 सदस्यों की मौत और 2 अन्य घायल, हिरासत में आरोपी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमलों का रूस को जवाबदेही ठहराने और मुआवजा कराई गई वोटिंग में। कुल 94 देशों ने पक्ष में और 14 देश के विरोध में किया मतदान। भारत सहित 73 देशों ने मतदान में नहीं लिया भाग। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के 41 वर्षीय सिख कार्यकर्ता अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने 3 नवंबर को उन्हें स्थानीय हीरो की श्रेणी में यह पुरस्कार देने की घोषणा की थी। नहीं रहे 97 वर्षीय जाने माने पत्रकार गोपाल सच्चर, लंबे समय से थे बीमार। सोमवार की शाम जम्मू के गांधीनगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली।
T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका, कई महीनों तक नहीं खेल पाएंगे चोटिल शाहीन अफरीदी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड की पारी के 13वें ओवर में हैरी ब्रुक का कैच पकड़ते समय शाहीन चोटिल हो गए थे। यूपी के हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध गुटखा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 6 बोरा मिश्रित तंबाकू, 4 बोरे सुपारी, 2 इलेक्ट्रॉनिक गुटखा बनाने वाली मशीन सहित अन्य माल पुलिस ने किया बरामद। अवैध गुटखा फैक्ट्री से पकड़े गए माल की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपये। हरियाणा में कर्मचारियों की सैलरी लटकने पर तलवार, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 2,65,000 कर्मचारियों से 33,000 कर्मचारियों ने नहीं कराई सर्विस बुक वेरीफाइड, 30 नवंबर 2022 है अंतिम तिथि। हिमाचल में कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में वोट डालते हुए व्यक्ति का वीडियो वायरल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच करने के बाद जल्द रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। यूपी के मैनपुरी इलाके से डिंपल यादव ने कराया नामांकन, अखिलेश यादव और राम गोपाल भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची डिंपल यादव। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का किया ऐलान। कप्तान केन विलियमसन पहले की तरह न्यूजीलैंड के कप्तान, ओपनर मार्टिन गुप्टिल और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को टीम में नहीं मिली जगह। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात शुरू, शिमला जिला के नारकंडा के साथ लगते बागी और खरदाला में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, मनाली में भी सर्दी की पहली बर्फबारी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, इस बारे में नवाज शरीफ से कोई चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जम्मू में बड़ा हादसा टला, फ्लाई मंजिला इलाके में संदिग्ध बैग से टाइमर के साथ IED बरामद, बॉम डिफ्यूज स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज, 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 29 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए 12 स्टॉल लगाए गए हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने VLC मीडिया प्लेयर की वेबसाइट पर लगे बैन को हटाया। VLC प्लेयर को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले वीडियो लाइन की वेबसाइट पर जाना होगा। यूपी के गाजियाबाद में 2 युवकों द्वारा एक कुत्ते को फांसी पर लटकाकर बेरहमी से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में इलाके के लोगों का बयान, बोले कुत्ते से पूरे इलाके के लोग परेशान थे क्योंकि वह कई लोगों को काट चुका था, ऐसे में उन्होंने इसे मारने की सोची। पुलिस बोली जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की जनसंख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई। 1974 में विश्व की जनसंख्या 4 अरब थी, अब यह आंकड़ा आज बढ़कर 8 अरब हो गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर स्थित बलरामपुर जिले की पुलिस, झारखंड पुलिस और CRPF को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और CRPF जवानों के संयुक्त ऑपरेशन में 90 से ज्यादा IED सिलेंडर बम और चाइनीज बम का जखीरा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक हीटर पर लगा बैन हटा, आलोचना के बाद प्रशासन ने वापस लिया आदेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मुनीश सिन्हा से इस कठोर आदेश को वापस लेने की अपील की थी। ऊंट पालकों के लिए अशोक गहलोत का राहत भरा फैसला, उस संरक्षण योजना में मिलेंगे 5,000 रुपये। उस संरक्षण योजना का अनुमोदन करने को मंजूरी देते हुए 2.60 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति। योजना का अनुमोदन करने के बाद पशु चिकित्सकों की ओर से मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सरकारी सहायता प्राप्त शिशु गृह केंद्र में रहने वाले कम से कम 3 बच्चों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने का मामला, महिला और बाल विकास विभाग ने जिला प्रशासन को संचालक हसीन परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। तलाक की खबरों के बीच शोएब मलिका ने सानिया मिर्जा के लिए किया ट्वीट, जन्मदिन की बधाई दी। खबरें हैं कि दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ कानूनी पेश सुलझने के बाद दोनों तलाक की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम में ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस आरोप के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहितिका याचिका दायर की गई। CAG से ऑडिट कराने की मांग के साथ CBI से जांच की मांग भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने चंडीगढ़ नगर निगम पर लगाया 9.30 करोड़ का जुर्माना। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी चंडीगढ़ के स्टेट ऑफिसर को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने के दिए निर्देश। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य की रोडवेज बस सेवा में सफर करने वाले पुलिस कर्मियों को मासिक पास अब 200 रुपये में देने का फैसला किया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के कर्मियों को रियायती दरों पर रोडवेज का मासिक बस पास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फायरिंग की खबर आई सामने, डूरंड लाइन पर
तालिबान की ओर से की गई फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत। पाकिस्तान और तालिबान के बीच दूरंड लाइन पर तकरार की खबरें लगातार आती रहती हैं। कोरोना की चपेट में आए कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन खबरों के मुताबिक आसियान समिट की मेजबानी के बाद संक्रमित हुए थे। महेश बाबू के पिता और दिग्गज टॉलीवुड अभिनेता कृष्णा का निधन हो गया है। तेलुगु अभिनेता कृष्णा को सोमवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह करीब 4 बजे हैदराबाद में 80 वर्षीय कृष्णा ने आखिरी सांस ली। दुनिया की अग्रणी टेक कंपनी गूगल को अमेरिका में लोकेशन ट्रैकिंग केस से बड़ा झटका। जांच में गूगल को अमेरिकी लोकेशन ट्रैकिंग नियमों के उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने का दोषी माना गया। अमेरिका के 40 राज्यों के साथ गूगल ने इस केस के निपटारे के लिए एक समझौता किया था। इसके तहत मिशिगन समेत 40 राज्यों को गूगल 40 करोड़ डॉलर का खर्जाना चुकाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की शर्त को किया खत्म। अब स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर खिलाड़ी की उम्र तय होगी। खेलों के दौरान उम्र को लेकर होने वाले विवाद रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली की खरीफ वायु गुणवत्ता पर हाई कोर्ट सख्त, कहा यह संवेदनशील मुद्दा, नहीं कर सकते आंखें बंद। कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण संबंधित वर्ष 2015 में शुरू की गई एक सर्वोच्च संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रहा है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत आज।